बार के सांसद से मुकाबला है। ठीक है, सीट निकल रही है सपा की, परिवर्तन चाहती है। वो जो प्रत्याशी जो है वो बहुत झूठा है भाजपा का, जो भी वादा किया वो भी पूरा नहीं किया। उसके घर का टंकी है उसमें भी पानी नहीं है। कोर्ट से ऊपर से जिला जिताने जा रहा है, कोई जवाब नहीं है। कहाँ से होगा हम लोग खराब यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में रामाशंकर विद्यार्थी जी का जो है आगमन हो चुका है और रेलवे स्टेशन से अब वो अथवा राजभर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए संभवतः यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। तो यहाँ पे उनके जो है कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो है मौजूद है, आइए उनसे समझते हैं कि क्या जो है लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो प्रत्याशी दिया है वो कितना मजबूत प्रत्याशी होगा, जबकि दो बार के सिटिंग से सांसद के खिलाफ जो है मैदान में है। जी, श्री राम राजभर समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए, किसका इंतजार कर रहे? रामाशंकर जी का। क्या लग रहा है इनसे, क्या उम्मीदें हैं? जीतने की उम्मीद है। हाँ, दो बार के सांसद से मुकाबला है। ठीक है, जीतेंगे वो ही। जयशंकर कनौजिया, कहाँ? मकान बेलथरा रोड वहाँ। आप इसी विधानसभा के जो है मतदाता है, किस तरह की उम्मीदें हैं रामाशंकर विद्यार्थी के जो है आप लोग स्वागत में खड़े हैं? 100% सीट निकल रही है सपा की और दो बार के सांसद का जहाँ मुकाबला कर रहे हैं, कतई मुकाबला नहीं है। बेलथरा रोड बाजार से हारने जा रहे हैं आपका दो बार का सांसद। हाँ, कोसों को अगले बार भी तो बेलथरा रोड क्षेत्र से जो जीते हारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों घाट पर आने और सलेमपुर से तगड़ा जीत दर्ज करके और जो हरा दिए थे। जनता उस समय समझ नहीं पाई कि किसको चुनने जा रहे हैं और जहाँ तक आज का चुनाव है तो उनका जनता दर्शन पाने के लिए तरस जा रही है। तो दो बार का आपका सांसद है भाजपा का, दर्शन पाने के लिए चुनाव जीते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं रहे। एकदम बिल्कुल रोड पे कभी दिखाई कोई कोई जयशंकर राजभर कहेंगे क्या कहेंगे? इस समय जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ, परिवर्तन इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही है। लाल बहादुर राजभर जी, रामाशंकर राजभर को टिकट मिला है, हम लोग उनके साथ हैं, चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। मुन्ना यादव विधानसभा उपाध्यक्ष बिलथरा रोड जी। तो आज जो है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो है मैदान में आया है, एक महीने से जो है भाई पीपल्स का प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार कर रहा है, कितना अंतर आप मान रहे हैं? बहुत अंतर, हमारा प्रत्याशी बहुत वोटों से जीतेंगे चुनाव। एक महीने पहले से कर रहा है और अभी आपके प्रत्याशी आए, कैसे कर रहे हैं? प्रत्याशी हमारे बहुत पहले से क्लियर थे, हमारे भी प्रत्याशी क्लियर घूम रहे थे। वो जो प्रत्याशी जो है वो बहुत झूठा है भाजपा का, जो भी वादा किया वो भी पूरा नहीं किया। उसके घर का टंकी है उसमें भी पानी नहीं आया, तो हमारे विद्यार्थी जी जब सांसद होंगे तो उनके टंकी में पानी भरवा देंगे जी। विश्वास है? पूरा विश्वास है। हमारा नाम मदन कनौजिया है। बताइए, कहिए साहब, आप यहाँ धूप में तगड़ी धूप है, कड़ी धूप, हमारे प्रत्याशी सांसद आए हैं सलेमपुर लोकसभा के और इन्हीं के स्वागत में हम लोग हैं। हाँ, तो लग रहा है कि इस बार जो है आप लोग सांसद बनाएंगे दोबारा? अभी तो 90% यह समझिए कि हम लोगों की जीत, जो वर्तमान सांसद है वो उसकी पुश्तैनी ना है जो वर्तमान। हाँ ठीक है, सुनो, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अब निकलने वाला है रथ जो है यहाँ पे सांसद जी का, और क्योंकि चौधरी चरण सिंह के जो है मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिए हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से क्षेत्र में जाएंगे। हाँ रामपुरी जी, बताइए क्या कहेंगे आप? हम रामाशंकर विद्यार्थी को 5 लाख वोट इनाम दिला करके जिताने जा रहे हैं, कोई या कोई जवाब नहीं है। 5 लाख वोट से ऊपर से जिला जिताने जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। कहाँ से वोट आएगा? अरे हमारे पास वोट है ना, हर तरह से वोट है, उनको वोट कौन दे रहा है जी सर? हमारे तो हम पहले अपना जो है सही, तो हम लोगों को जितना वोट देते उतने से जीतेंगे। हम लोग जीतने पर पहले से समाजवादी पार्टी है, शारदा मंचल का क्षेत्र है, विधानसभा रोड
और समाजवादी पार्टी के जेरात कौन बन डेरा भी ना कौन जरूरत का डेरा जब तक आखिरी करो मरो के लड़ाई लड़ हमने अखिले से कहा कि आखिरी लड़ाई जाना कहा लोग बैक हो गए बैक लोग नहीं हम लोग करो मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं इस पर हम कार्यकर्ता लड़ रहे कोई नेता नहीं लड़ रहा हम बूथ कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव हम बूथ कार्यकर्ता पर हम भाजपा की लड़ाई होने जा रही है हाँ हम बूथ कार्यकर्ता की बड़ा भाजपा की लड़ाई होने जा रही है मैं वीरेंद्र यादव रामपुरी आज आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम आपको जिता करके देखेंगे उत्तर प्रदेश में 50 सीट हम समाजवादी जीतेंगे और 10 सीट हमारा गठबंधन जीतेगा आपके साथ आपके सामने मैं अपना दावा कर रहा हूँ अखिलेश यादव जीतेंगे अच्छा है मैंने किया अच्छा है अखिलेश जीतावल जी एकदम भाजपा हटावल जाए तो कांग्रेस का सरकार बनावल जाए गठबंधन सरकार बनावल जाए सर उसन मिलता आवास वास मिलता अरे के मिलता तो उन लोग मिलता की हमन के मिलता ये तो हम लोग बिका के बजा जैसा तो उन लोग मिलता हमन के साला कुछ और लेके मिलत राशन की लाइन लगे हमन के राशन ले बोला ना जा हमन के मारा जी कांग्रेस वोट और सरकार बना थोड़े जा समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना कहो जी साहब तो दोनों गठबंधन बा गठबंधन से बन जानो वो से जीता आगे लियो पर गठबंधन है अरे तो चोरी के लिए बन जानो तो हम लोग चोरी का उतर जाए तो समाज पार्टी का गठबंधन है भैया तो हम चोरी करा दे तरह जा चोरी ना करते जन तो हमर के कबो ना के हारे ओ खाली भी में मसीह और जे ना तो हम क्यों ना हारे भी मसीह अरे तो वही से ना जीता तरह जा तो लोग जो है रुझान है जनता जो का मैंडेट है जनता का मैंडेट है जनता जो सोच रही है इस बार जो तगड़ा जो है मुकाबला होने वाला है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के बीच जो है दो बार के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं दो बार के जो है सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा जी वह चुनाव मैदान में एक महीने से जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं अब देखना होगा कि जनता जो है किसे पसंद करती है और जनता जो है किसे जो है जिताती है यहाँ से।